वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, एक और बड़ा सीरीज अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का 5 T20 का एंड हुआ, जिसमें हमारा सीरीज विनर अफ्रीका था और अफ्रीका सीरीज जीता बाखूबी। घोड़े जो बोले थे वो मिले और अब आ गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। जी हाँ, जब भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ आपस में मिलते हैं तो एक अलग ही रोमांच होता है, एक अलग ही तमाशा देखने को मिलता है। काफ़ी ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलती है और काफ़ी जंग देखने को मिलती है, लड़ाई देखने को मिलती है। तो अभी इस सीरीज़ में कौन विनर होने वाला है, कौन ये सीरीज़ जीतेगा और कौन इस सीरीज़ का कप उठाएगा, 5 T20 हैं। काफ़ी लोग मुझसे आगे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि भाई आप कौन सी एक्सचेंज यूज़ करते हैं, आप किस एक्सचेंज पे बेट करते हैं। तो ये भाई वो एक्सचेंज है जिसके ऊपर मैं बेट करता हूँ, इसका नाम है स्काई एक्सचेंज। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है आपकी कंट्री के अंदर तो आप आके ये मेरे से एक्सचेंज ले सकते हैं। इस एक्सचेंज के अंदर आप देख रहे हैं कितनी वैरायटी है, 15 ओवर टोटल एडवांस, 10 ओवर 20 ओवर, टॉप स्कोरिंग बैट्समैन, हाईएस्ट विकेट, बॉलर के भी इवन रन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जैसे जैसे मार्केट आगे चलेगी। सही है, 3 विकेट और मोर बाय ए बॉलर। सही है, फिल्पी रन्स, फिंच रन्स, सिमन रन्स, सब कुछ है इसमें, 20 ओवर रन, सब कुछ। जो टॉस का भाव भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया विन टॉस यस या नो। अगर आपको वेस्ट इंडीज़ टॉस पसंद है तो आप नो पे क्लिक करें, ऑस्ट्रेलिया पसंद है तो यस करें, इवन गेट टॉस का भाव भी मिलेगा। हमारा काम एक नंबर है, हमारे पास 5-6 एक्सचेंजेस हैं, खाली स्काई एक्सचेंज नहीं है। लेकिन मैं स्काई एक्सचेंज इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि बेटफेयर तो नहीं कोई बन सकता, क्योंकि बेटफेयर किंग है और किंग कोई नहीं बन सकता। लेकिन बेटफेयर की अगर कोई बेहतरीन कॉपी बनी है वो स्काई एक्सचेंज बनी है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में अवेलेबल है। इंडिया के अंदर तो ये अवेलेबल है लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, जो कि सिर्फ मैं आपको करके दे रहा हूँ। और बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। ये आपको चाहिए हो तो आप मेरे मैनेजर से जाके ये एक्सचेंज ले सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं और विड्रॉ जब आपका दिल करे ले सकते हैं। तो भैया ऑस्ट्रेलिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ किलर सीरीज़, कातिलाना सीरीज़ होने वाली है। और ये आप देख रहे हैं कोविड के नाटक के, जिस तरह के कोनी के ऊपर जो है ना वो कुछ नहीं लगा होता, और कोनी से तो हम अपना ना नाक कभी हमने पूंछा है, सही है, कोनी से तो ना हमने अपना पसीना कभी पूंछा है। तो ये हमारे हमें ना बस चूतिया बनाने के लिए, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, एल्बोज मिलाई जा रही हैं। बहरहाल वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 T20 स्क्वाड की तरफ चलते हैं जल्दी से। और स्क्वाड की तरफ अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड पहले देखेंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी अफ्रीका से खेल चुका हुआ है, तो 3-4 चेंजेस होंगी वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होने वाली हैं। जिस तरह के इंग्लैंड का पूरा स्क्वाड ही बदल गया कोरोना की वजह से, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि लोगों को पता है कि जी भाई बहुत ही घटिया टीम है इंग्लैंड की, तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा मार्केट लोड डल सकता है, और वो पहले मैच में ही डल गया। अब कल का मैच जो है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पर आ जाइएगा, और सिर्फ करना आपको ये है कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की वीडियो 5 लोगों को शेयर करनी है, और 5 लोगों को अगर आपने शेयर की तो आपको कल का पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच फ्री मिलेगा। जी हाँ, टोटल फ्री मिलेगा, पाकिस्तान इंग्लैंड 94-96 इंग्लैंड फेवरेट जा रहा है अभी इस वक्त। कल का मैच कौन जीतेगा मैं आपको सीरीज़ ओवरऑल बताता हूँ कि भैया सीरीज़ ये जीतेगा, सीरीज़ में क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या हो सकता है। और अगर आपको चाहिए कि भाई 5 T20 को हम कैसे सेटलमेंट करें, कौन पहला जीतेगा कौन दूसरा तीसरा, तो उसके लिए आपको मेरा पैकेज लेना पड़ेगा उसके अंदर। और अभी पैकेज के ऊपर हैवी डिस्काउंट दिया हुआ मैंने, हैवी, इतना सस्ता पैकेज मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं निकाला आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी दुनिया इस वक्त लॉस में चल रही है। तो अगर आप लोग खुद ही खेल खेल के तंग आ गए हैं या किसी टिपर की टिप पे तंग आ गए हुए हैं तो आप एक दफ़ा मुझे भी ज्वाइन करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि असल दूध क्या होता है और नकल दूध क्या होता है, दोनों में फ़र्क पता चले।
ऊंची दुकान फीका पकवान, हमारी छोटी सी दुकान है और मीठा पकवान है। एरन फिंच, दोनों एगर भाई नज़र आ रहे हैं। वेस एगर एडलेट स्ट्राइकर में मेरा ख्याल ये खेलते हैं, और एस्टन एगर जो कि पर्स कॉचर में खेलते हैं। जेसन वेरेंडॉफ यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बॉलिंग सिलेक्शन है, T20 वर्ल्ड कप से पहले चांस देना चाहिए, ये भी पर्स कॉचर के ही बॉलर हैं। और एलेक्स कैरी फ्रॉम एडलेट स्ट्राइकर, मेरा ख्याल है ये अभी स्टार्स से खेले थे या क्या, थोड़ा याद नहीं है। डेनियल क्रिस्टियन 38 साल की उम्र में दुनिया के T20 की हर टीम में ये बंदा खेल चुका हुआ है, और अब इनको फिर ऑस्ट्रेलिया ने सोचा है कि अब इनको चांस दे दिया जाए। और आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे ना मैक्सवेल नज़र आ रहे हैं, ना मुझे वार्नर नज़र आ रहे हैं, और ना मुझे स्टीवन स्मिथ नज़र आ रहे हैं। तो टोटली एक न्यू स्क्वाड, मैं टोटली नहीं कहूँगा, लेकिन थम जो हैं मैक्सवेल जैसे, वार्नर जैसे, स्टीवन स्मिथ जैसे, दो के स्टीवन स्मिथ एक स्लो बैट्समैन है, लेकिन फिर भी आप स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर को, विलियमसन जैसे प्लेयर को, जो रूट जैसे प्लेयर को अपनी टीम से बाहर नहीं रख सकते। जी हाँ, इवन के जो रूट, बाबर आजम जैसे प्लेयर को, पाकिस्तान समझदार T20 में बाबर आजम को वो खिलाता है, उनको पता है कि T20 सिर्फ मारने का गेम नहीं है, बॉल रोकने का भी गेम कभी कभी बन जाता है। जॉश हेजलवुड बहुत फेवरेट बॉलर है मेरे, और अभी 30 साल उम्र है, अभी मेरा ख्याल है 5-6 साल क्रिकेट इनमें बाकी है, और ये अपने अरूज पे आएंगे टेस्ट क्रिकेट में। मोजेस हेनरी केस काफ़ी चर्चा में है सिडनी सिक्सर्स की जीत के बाद। मिचेल मार्श नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इतनी इंजरीज और बार बैठने के बाद मिचेल मार्श जो हैं वो नज़र आ रहे हैं स्क्वाड में पर्स कॉचर के। बेन मैकडरमट हॉबर्ट हरिकन्स, आई थिंक सो, बेन मैकडरमट विकेट कीपर नज़र आ रहे हैं, चांस मिलना चाहिए था लड़के को क्योंकि अच्छा परफॉर्म करता है। फिर रेल मेड्रिड पंजाब, किंग इलेवन पंजाब, जी हाँ, काफ़ी शोहरत मिली किंग इलेवन पंजाब से, और जो IPL खेल ले वो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप उसको अपनी टीम में खिलाएं। जॉश फिल्पी RCB में, इनको मौका नहीं मिल सका मेरा ख्याल इस साल, और विड्रॉ हो गए थे, लेकिन जॉश फिल्पी सिडनी सिक्सर से धुआंधार बल्लेबाजी दिखा चुके हैं। तो दो विकेट कीपर हैं, अब मैकडरमट को खिलाते हैं या जॉश फिल्पी को, मेरा ख्याल जॉश का चांस ही बनेगा, मैकडरमट को शायद 3 T20 के बाद एक आधे मैच में देखने को हमें मिले या दो मैचों में। फिर मिचेल स्टार्क नज़र आ रहे हैं, स्वेप्सन नज़र आ रहे हैं हॉबर्ट नहीं, ब्रिस्बेन हीट के, और मिचेल स्टार्क नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप से पहले के मैचेस हैं, और यहाँ पे आप अपने जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनको मौका देंगे। एस्टन टर्नर पर्स कॉचर्स के यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, टर्नर शायद मेरा ख्याल है आप कोई मेलबर्न स्टार में चले गए हैं क्या, ये वहीं पर हैं ये मुझे याद नहीं है। एंड्रयू टाई, जी हाँ, एंड्रयू टाई कमाल के बॉलर हैं, लेकिन टीम आगे जो है वो एक सीरीज हार कर आ रही है वेस्ट इंडीज़, तो क्या बनता है क्या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। मैथ्यू वेड अपनी लाइफ टाइम फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं, मैथ्यू वेड जो कि नहीं थे दो साल पहले, दो साल से कमाल किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं और कमाल छक्के दे रहे हैं। एडम जेम्पा, इनके टॉप के स्पिनर जो हैं वो एडम जेम्पा यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। फिर हम चलते हैं जल्दी से वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, कौन कौन से नए प्लेयरों को बीच में स्क्वाड में डाला गया है। केरन पॉलर्ड ऑलवेज कैप्टन, निकोलस पुरान, फेबियन एलन, ड्वेन, मेरा ख्याल है कि इनको रशरफोर्ड को, जो के पेशावर जालमी से खेले थे, शेन रदरफोर्ड, उनको मौका मिलना चाहिए था, पता नहीं मिला कि नहीं मिली, अभी देखते हैं कि क्या बनता है इनका। ड्वाइन ब्रावो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो के अब बॉलिंग उस टाइप की नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रावो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी धुआंधार वापसी करें, और ये धुआंधार जब वापसी करते हैं कुछ अजीब ही वो वापसी होती है कि लोगों को इनका डांस भी याद रह जाता है, और अगर बैट चल जाए तो वो पारी भी याद रह जाती है। आज तक मुझे वो मैच याद है, IPL 2019 का था या क्या था, जिसके अंदर यह भाईजान ने 3 पैसे का घोड़ा उड़ाया था अपने बल्ले से। शेल्डन कॉटरल पर्ची प्लेयर, लेकिन चांस मिल रहा है इन्हें क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास ना वो वॉल्श है, ना कल्ट्री एम्ब्रोस है, ना एन बिशप हैं,
तो ये अब जो बलाएं हैं वो तो नहीं है, लेकिन ऐसे घटिया बॉलर जो हैं अब हैं, लेकिन ये अब वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं और पूरी डिग्निटी और प्राइड के साथ खेलेंगे। शेल्डन कॉटरल मुझे लगता है जो इनको टीम में लिया गया है ये मौका नहीं मिस करेंगे। फीडल एडवर्ड जो कि साउथ अफ्रीका के भी स्क्वाड में थे लेकिन बेंच पे बिठाया गया था, और मेरा ख्याल है इनको बेंच पे ही रहना चाहिए था और इस इधर भी बेंच में रहना चाहिए, शायद एक आधा मैच इनको मौका मिले। एंड्रे फ्लेचर पता नहीं जॉन चार्ल्स को क्यों नहीं कराया जा रहा, एंड्रे फ्लेचर को बार बार मौका क्यों दिया जा रहा है। क्रिस गेल लास्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिस गेल का जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, और अगले 2 साल सिर्फ IPL खेलेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट के शिकार होंगे, क्योंकि हर स्पोर्ट एक एज है, एक उम्र तक ही चलता है, उसके बाद रिटायरमेंट होती है। वो जन्नत फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि खिलाड़ी की और डाओ की, अभी रंडी बोलने से तो मेरा, इन दोनों की जो एक्ट्रेस होती है ना, एक्ट्रेस बोल लेते ज़रा साफ क्लीन वर्ड है, इनकी एज लिमिट बड़ी थोड़ी होती है, जवानी जाने की देर होती है। तो कोई हंस रहा होता है टीवी पे बैठ कर, कोई शराब पी के नस काट रहा होता है, जन्नत फिल्म के डायलॉग हैं ये। और शिमरान हेटमायर बहुत ही उम्दा प्लेयर जो कि आने वाले वक्त में वेस्ट इंडीज़ के वाइस कैप्टन नज़र आ सकते हैं और पुरान निकलस पुरान कैप्टन बन सकते हैं, लेकिन पॉलर्ड की भी क्रिकेट बाकी है। एवन लुइस मुकाए अभी भी इनको मौका दोबारा ओबद मुकाए को मिल रहा है, बॉलिंग इन्होंने सही की थी लेकिन चांस दिया जा सकता था और भी प्लेयर्स को। एंड्रे रसल सभी के फेवरेट हैं, और हेडन वॉल्ट को मेरा ख्याल वापस लाया गया, जो कि एक समझदारी है कि वॉल्ट जो है टर्नाट टबैको में खेलते थे मेरा ख्याल, या ये बारबाडोस में थे, कमेंट में बताइए दीजिएगा। तो यहाँ पे लिंडन सिमंस, जी हाँ लिंडन सिमंस की भी आखिरी पारियाँ चल रही हैं ज़िंदगी की, ये भी है फिर हमें कभी नहीं नज़र आने वाले। तो ये स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ का, 2-3 ही चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर हेडन वॉल्च की चेंज है, शेल्डन कॉटरल की चेंज है, और ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र नहीं आ रही, यही आपको बोला था 2-3 चेंजेस ही हैं। अभी 5 T20 हैं और अफ्रीका से 5 T20 वेस्ट इंडीज़ हार गया हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि वेस्ट इंडीज़ कमबैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। भाव की तरफ चलें तो यहाँ पे भाव चल रहा है 97-98 ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। टॉस के बाद पता लगेगा वेस्ट इंडीज़ फेवरेट आता है, क्योंकि जो बॉलिंग करता है T20 में ऑब्वियसली थोड़ा भाव का फ़र्क उसकी तरफ झुक जाता है। अभी अगर आप देखें तो ये सारे मैचेस एक ही स्टेडियम है ग्रॉस इस लेट में, तो पिछले जो मैचेस थे वो एक बैटिंग ट्रैक पे हुए थे, सही है बैटिंग ट्रैक पे हुए थे, और एक भी लंबी मेरा नहीं ख्याल है कि वो पास हुई। जो लंबी 180-176 खुलती थी वो फेल ही होती है पूरे 5 T20 में बैटिंग ट्रैक के ऊपर, जिस पे दुनिया उम्मीद कर रही थी कि बड़े रन देखने को मिलेंगे, जैसे कि T10 में मिले इंग्लैंड के, आपको मैंने बताया था उसके अंदर स्टैट्स बताए थे, 400 रन बने ODI क्रिकेट में, आयरलैंड के ख़िलाफ़ 400 रन बने T20 क्रिकेट के अंदर, 800 रन बने ODI क्रिकेट के अंदर, उस पिच के ऊपर सब लंबियाँ फेल गई, जी हाँ, और चेज भी टारगेट करना आसान ना था। अब ये जो पिच है ग्रॉस इस लिट की, यहाँ पर मुझे लगता है बड़े स्कोर बनने वाले हैं भैया, जी हाँ बिग टारगेट्स बिग स्कोर्स यहाँ पे बनने वाले, हो सकता है पहले T20 में बन जाए, हो सकता है पहले T20 में ना बने, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लंबियाँ खुलने वाली हैं ज़्यादातर वो लंबियाँ पास होने वाली हैं, वो सेशन यस होने वाले हैं, ठीक है। अब और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के अंदर, पहले आपको मैंने वेस्ट इंडीज़ अफ्रीका में अफ्रीका सीरीज़ विन दी था जो कि 50 पैसे 60 पैसे वेस्ट इंडीज़ फेवरेट खुलता था। यहाँ पर भाइयों कान खोल के सुन लो आप मेरी बात, 90-95% ये सीरीज वेस्ट इंडीज जीतने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया 90-95%। 5% की मैं माफी चाहूंगा क्योंकि क्रिकेट इज ए फनी गेम, लेकिन ये सीरीज ताजुब ही होगा अजूबा ही होगा अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो। ये सीरीज वेस्ट इंडीज लेके जाएगा, वेस्ट इंडीज लेके जाएगा,
जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा नॉलेज है, ये सीरीज विनर वेस्ट इंडीज़ है। जो बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप देखें तो कोई इतनी ख़ास बॉलिंग लाइनअप मुझे नज़र नहीं आ रही। मिचल स्टार को धुएँदार छक्के पड़ सकते हैं, एडम जैम्पा की भी पिटाई हो सकती है, एंड्रयू टाई की भी पिटाई हो सकती है, टाई की टाई उतार के पिटाई कर सकते हैं, एंड्रे रसल, पोलार्ड और यहाँ पर निकोलस पुरान। तो ये याद रखीजिएगा भाइयों कि दुनिया इस सीरीज़ में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करने वाली है और मैं वेस्ट इंडीज़ करने वाला हूँ। लेकिन 5 T20s हैं, 5-0 होता है नहीं होता या कहाँ पे जाके बात बनती है या सीरीज़ डिसाइडर आता है अफ्रीका और उसकी तरह, ये देखना होगा। और ये आज रात 4 बजे, अभी 2 बजे वीडियो पोस्ट होने वाली है, आज रात 4 बजे ये सीरीज़ शुरू होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। और मुझे लगता है कि ये सीरीज़ की वेस्ट इंडीज़ अच्छी खासी पटाई करने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। अगर ऑस्ट्रेलिया 240 स्कोर बना लेता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वेस्ट इंडीज़ वो स्कोर चेज़ कर जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया 220 बनाता है मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, ना शौक लगेगा कि वेस्ट इंडीज़ वो टारगेट चेज़ कर लेगा। वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया की पटाई करनी है और वो पटाई, वो छक्के, वो देखने वाले होंगे। ये आप यादगार सीरीज़ है, ये यादगार सीरीज़। अगर आप वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के छक्कों के फ़ैन हैं और कहते हैं कि धुआंधार बल्लेबाजी देखनी है तो भैया सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। 90-95% आपको वो छक्के और ऑस्ट्रेलिया की कुटाई, पटाई और धुलाई सब देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया बेशक पहला मैच जीते या वेस्ट इंडीज़ जीते, मेरी तरफ से सीरीज़ विन आपको मैंने बताया है। मैच की प्रेडिक्शन आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। आपको क्या करना है, 5 दफ़ा ये वीडियो शेयर करनी है, इस वीडियो का लिंक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बैटिंग करते हैं, और उनके स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेज देने हैं। और आपको ये सीरीज़ का जो भी मैच चाहिए होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, आपको वो सीरीज़ का मैच मेरी तरफ से विद लंबी एंड विद 6 ओवर के रन और स्क्रिप्ट के साथ, घोड़ा होगा नहीं होगा ये मैं वीडियो में बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको अफ्रीका और उसमें बताया था कि घोड़ा होगा, सही है, और घोड़ा एक भी नहीं, 3-3, 4-4 घोड़े हुए। और मैंने आपको तब भी बता दिया था दोनों 2 नंबर टीमें हैं और नीचे कब खाना है, 10 पैसे 32 पैसे में तब खाना है। अब आपको कब खाना है, कब लगाना है, ये आपको व्हाट्सएप पे ही पता चलेगा जब आप वीडियो शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट 5 भेजेंगे। एक स्क्रीनशॉट नहीं भेजना कि भाई मैंने एक दफ़ा शेयर कर दी, 5 स्क्रीनशॉट होंगे तो आपको फ्री टिप मिल जाएगी, ठीक है भैया। तो सीरीज़ विनर, अब फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़। हाँ जी, धुआंधार बल्लेबाजी, छक्के पे छक्का और ऐसी कुटाई ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है कि यादगार रहेगी, यादगार मैच होगा, यादगार सीरीज़ होने वाली है ये। चलता हूँ भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक ठोके, ठीक है, लाइक ठोकेंगे आप लोग तो मैं वीडियोस बनाने पे मजबूर हो जाऊंगा। आप बैटिंग कोर्स की वीडियोस मांग रहे हैं, मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन जब लाइक ज़्यादा आएंगे तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे और जब ऑडियंस बढ़ेगी तो फिर अग्निपथ आएगी और अग्निपथ सभी को देखनी है। चलता हूँ भाइयों, खुदा हाफिज़।